गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स का एक्सरसाइज 3 ये करने जा रहे हैं। इससे पहले जो सेकंड चैप्टर है रोमन नंबर्स का, उसका मैं बेसिक्स आपको बता चुका हूँ। उसके हिसाब से आप लोग सारे कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, बेसिक्स का बस ध्यान रखना है। और जो ना क्वेश्चन आए, क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा वो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3। है जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है आपका राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। जैसे जो ए पार्ट है इसका, उसमें दिया है कि 40,000 प्लस 2,000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 2। शॉर्ट फॉर्म क्या मतलब हुआ, ये एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। पी नंबर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंड किया हुआ है, इसको आपको एक नंबर बनाना है। तो सिंपली आप इन सभी को जोड़ दीजिए। 90 प्लस 2 करेंगे तो 92 हो जाएगा। आप 92 को 600 प्लस करेंगे 692 होगा। 692 को 2000 प्लस करेंगे तो 2692 होगा। और फाइनली 2692 को 40,000 में अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4,2,6,9,2। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको इन सभी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना है। अगर आप प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं तो प्लेस वैल्यू के अनुसार भी उसे आप रख सकते हैं। 2 1s पे है, आप इस नंबर में 1s पे रखेंगे। 9 जो है 90, वो 10s पे है तो यहाँ 10s पे रखेंगे। 6 आपका 100 पे है, 6 को मैंने 100 पे रखा। 2 आपका 1000 पे रखा 2 को। और 4 आपका 10,000 पे, इसीलिए इसको मैंने 10,000 पे रखा हुआ है। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, जो बी पार्ट है इसका, उसे देखिए। जो बी पार्ट है उसमें क्या है, उसमें लिखा है 70,000 7 लाख है, 50,000 प्लस 3,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 5। क्लियर? इसे 5 1s पे, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 5 को 1s पे लिखा। 10s पे 100 पे 1, 1000 पे आपका 3, 10,000 पे 5 और लाख पे 7। तो ये आपका नंबर बन के आता है। अगर आप इन्हें जोड़ना भी चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। इन सब वैल्यूज़ को आप अगर जोड़ भी लें कॉपी में तो भी यही आंसर आना है। क्लियर? बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप अपने खुद से सॉल्व कीजिएगा उन्हें, और जो ना आए पूछ लीजिएगा। इन क्वेश्चनों में एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने 60,000 प्लस 4,000 प्लस 0 प्लस 20 और प्लस 8, इसको कैसे लिखेंगे? कहना ही चाहता हूँ, देखिए बीच में क्या आ गया, इसमें 0 आ गया। इसलिए अगर प्लस वैल्यू के हिसाब से देखें तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1s पे 8 है, ठीक है 8, 10s पे 2 है, ओके। देखिए 100 पे कुछ नहीं है, 0 है ना, तो आप लोग भी यहाँ 0 लिखेंगे। 1000 पे 4 और 10,000 पे आपका 6, तो ये आपका नंबर वन के आता है। क्लियर? इस तरीके से करना है, प्लेस वैल्यू को भी ध्यान में रख के इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्लियर? इससे अलग और कोई टाइप आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप खुद कीजिएगा उन्हें सॉल्व, और जो ना आए पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड, अभी हमने शॉर्ट फॉर्म किया, इसके बाद है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब आपको नंबर दिया रहेगा, उसको आपको एक्सपेंड प्लेस वैल्यू के अनुसार एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे ये नंबर है 67452, तो उसकी प्लेस वैल्यू देख लेंगे हम। 6 कितने पे है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 6 है 10,000 पे।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 10,000 पे हो गया, प्लस 7 देखिए कितने पे, 1 10 100 1,000 7,000 पे, 1,000 पे 7। नेक्स्ट है 4 आपका कितने पे, 1 10 100 100 पे। देन 5 कितने पे, 1 10 10 पे मतलब 50, और 2 आपका 1 पे। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, इजी होता है बहुत। एक और एग्जांपल समझते हैं, लिखा है 32 लाख, 32 लाख, तो वंस पे क्या बच्चे, चलिए वहाँ से देखते हैं हम लोग, 1 10 100 1,000 10 लाख 10 लाख, 3 कितने पे, 10 लाख पे, 3 10 लाख पे है, तो 1 2 3 4 5 6 0 क्लियर। प्लस कैसे लगेंगे, 2 कितने पे है, लाख पे, तो 1 2 3 4 5। अभी 10,000 पे क्या है, 0, 10,000 पे 0, 10,000 पे आपका 0 है, उसके बाद 1,000 पे भी 0 है, 10 पे भी 0 है, और 1 पे भी 0 है, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे अगर, यही आंसर मिलेगा आपको, क्लियर। जिस नंबर की जगह पे कोई प्लेस वैल्यू पे कोई नंबर नहीं दिया तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, उसकी जगह हम 0 रखते हैं। यहाँ देखिए 0 रखा मैंने, जहाँ कोई नंबर नहीं था वहाँ हमने 0 रखा है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, वो है राइट इन फिगर्स। आपको जो नंबर है वो एक्चुअली वर्ड्स में लिख के दिए गए हैं, आपको इन्हें नंबर्स में लिखना पड़ के। जो पहला ए पार्ट है वो लिखा है 50,627, 50,627 कैसे लिखेंगे, 50,000 पे, 50,000 पे मतलब कि 50,000 यह का 50,000 है, उसके बाद 600 पे एंड 27 27। देखिए इसमें 10,000 वाला है, 100 है, और आपका वंस और टेंस यहाँ पे है, इसमें आपका थाउजेंड्स गायब है, बीच में से थाउजेंड्स गायब है। तो ऐसे भी लिख के आप इन्हें जोड़ दीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा, तो क्या आएगा, 50,627, ये आपका आंसर होगा, जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर आपको, इस तरीके से लिखा जाता है 50,627, दिस 50,667, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा 2,36,294 कैसे लेंगे, 2 लाख, 2 है वो लाख पे, 1 10 100 1,000 10,000 लाख, ये 2 लाख हो गया। प्लस आगे क्या है, 36,000 36,000 36,000 36,000 का करिए एंड 200 पे, और फाइनली क्या है, 94 94, समझे, 2,36,000 36,294। इसे फिर क्या है हुआ, इसके अंदर आपका 1,000 वाला जो प्लेस वैल्यू वो गायब है। अब इनको सभी को जोड़ दीजिए, आप जोड़िए देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका कितना, 4 9 2 6 3 0 2, सॉरी ये 0 नहीं रहेगा, 2, ठीक। 1 10 100 1,000 10,000 लाख, 2,36,294, क्लियर।
और बाकी क्वेश्चंस आप अपने से ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं आएगा मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करना आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, राइट इन फिगर्स, सेम क्वेश्चन है, वर्ड्स में दिया हुआ है आपको, इसको फिगर्स में नंबर्स में लिखना है, वही सेम क्वेश्चन है, इनको भी आप कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को फोर्थ क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन को आपको वर्ड्स में लिखना है। ये कुछ अलग है, इसके दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का पहला जो है ए पार्ट, उसमें देखिए क्या लिखा है, 1200। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए वंस पे जीरो है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, मतलब कि ट्वेल्व कितने पे है, थाउजेंड पे, मतलब इसको क्या लिखेंगे, ट्वेल्व, ट्वेल्व थाउजेंड्स पे, ट्वेल्व थाउजेंड्स, आगे सब जीरो है तो कोई नंबर है ही नहीं, तो बस ट्वेल्व थाउजेंड लिख के हम छोड़ देंगे, हो गया, ट्वेल्व थाउजेंड इज आंसर, क्लियर। और देख लेते हैं नेक्स्ट जो नंबर लिखा है वो 3 7 8 6 9, देखिए कितना है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड पे क्या है आपका 37, तो लिखेंगे 37, 37 थाउजेंड्स, 37 थाउजेंड्स। उसके बाद एट कितने पे है, वन सेवन हंड्रेड, एट हंड्रेड पे 37,000, एट हंड्रेड, एंड लास्ट के दो डिजिट को एक साथ लिखते हैं, एंड 69, 69, क्लियर। 37,869, 37,869, क्लियर। बाकी क्वेश्चंस आप अपने हाथ से कीजिएगा, इसके एक दो और एग्जांपल समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो है 794683, 794683, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लैक, लैक तक जा रहा, लैक पे कौन है, सेवन, तो लिखेंगे हम सेवन लैक। उसके बाद 94 आपका 10,000, मतलब थाउजेंड पे 94, 94,000, उसके बाद 600 पे 600 एंड 83, क्लियर। 794683, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा, रिव्यू, री राइट द नंबर्स विद कॉमास सेपरेट इन द पीरियड। देखिए कॉमास लगाने, जो पीरियड्स होते हैं, अभी समझा देता हूँ पीरियड्स क्या होते हैं, जो पीरियड्स के बीच में कॉमा लगाने हैं। जैसे कोई नंबर लिखा आपके सामने, मान लीजिए लिखा है 7525125, तो इसमें कॉमास लगाने हैं, नंबरों को सेपरेट करना होता है। जैसे कि कैसे करते हैं, पहले तीन संख्या लेफ्ट से राइट से देखेंगे, पहले दो तीन संख्या उसके बाद कॉमा लगता है, यहाँ कॉमा लगेगा, समझ रहे हैं, पहले तीन संख्या के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद हर दो दो संख्या के बाद कॉमा लगता है, हर दो दो संख्या के बाद कॉमा लगता है, समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कोई नंबर लिखा है 5702376789, ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें कॉमा कैसे लगेगा, पहले बताया पहले तीन के बाद लगता है यहाँ, और फिर बाद में हर दो दो नंबर के बाद लगता है, पहले तीन के बाद और फिर हर दो दो नंबर के बाद, ठीक है। अगर कॉमा लगा लेते तो इस नंबर नेम को लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। आज के लिए हम इतना ही सिक्स क्वेश्चन तक ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।